आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों पापा को जवान देखा मजबूर करते हैं ये वो पसंद करने के लिए। शाहरुख खान की जवान को झेल नहीं पाए नाना पाटेकर, बिना नाम लिए साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि नाना पाटेकर ने बिना नाम लिए शाहरुख खान की फिल्म जवान पर निशाना साधा है। वह मंगलवार को विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी अपनी फिल्म द वैक्सीन वॉर के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे। यहाँ उनके साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी नजर आई। यहाँ उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए नाम लिए बगैर ही शाहरुख खान की फिल्म जवान और नेपोटिज्म पर काफी कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, नाना पाटेकर ने जवान का नाम लिए बगैर कहा कि आजकल लोग वैसी फिल्में देख रहे हैं और उनको वैसे कंटेंट देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो उस मूवी को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैंने कल बहुत ही हिट हुई फिल्म वो देखा, मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो हमें लगता है कि हमें बार बार इस तरह का मटेरियल दिखाकर मजबूर करते हैं हमें वो पसंद करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। यह बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी फिल्म है जिसने वीकेंड पर एक दिन में 80 करोड़ का कारोबार किया। फिल्म अमेरिका में भी छाई हुई है और वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल भी हो गई है। शाहरुख खान की जवान इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दोस्तों बता दें कि शाहरुख खान की जवान देश के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाती है। फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा, सोनिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, रिधि डोगरा और लहर खान भी हैं। किंग खान की ये फिल्म स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के साथ एक्शन और थ्रिल से भी भरपूर है, इसलिए ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म तो ऑडियंस को पसंद आ ही रही है, साथ ही सेलिब्रिटीज़ में पॉलिटिशियन भी शामिल हैं जिन्हें जवान पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की ये जवान अब राजनेताओं के बीच भी सनसनी का मुद्दा बना हुआ है। वो फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स पहुंच रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में क्या है जो शाहरुख खान दिखा रहे हैं और शाहरुख खान लोगों को बोलना चाह रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अब दर्शकों के बीच वैसा ही देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान की ये फिल्म जवान का असर लोगों में दिखने लगेगा। फिलहाल दोस्तों अगर ऐसा होता है तो हमारे राष्ट्र और सभी राजनेताओं के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी और इससे होने वाले बेनिफिट्स का लाभ हमारे देश की जनता को होगा। फिलहाल जवान बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए बी4 बॉलीवुड को सब्सक्राइब ज़रूर करें।